छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सीएचएमओ कार्यालय के सामने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य का कार्यालय खोले जाने की मांग को लेकर सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता व संभागीय अध्यक्ष अजय नायक ने संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को दुर्ग के सीएचएमओ कार्यालय के सामने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य कार्यालय खोले जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि सभी विभागों के संभागीय कार्यालय दुर्ग संभाग में खुल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं का सृजन नहीं किया गया है। प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने बताया कि 7 जिलों जिसमें दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, मानपुर, मोहला के स्वास्थ्य कर्मचारियों को अभी भी रायपुर संभाग के अधीन रहना पड़ता है। अधिकारी व कर्मचारियों की पदोन्नति, वरीयता सूची और विभिन्न कार्य के लिए रायपुर जाना पड़ता है। प्रकरणों के लंबित मामलों का निराकरण भी समय पर नहीं हो पा रहा है। हम लोग का भोजन अवकाश के समय में ये 10 मिनट का एक ध्यान आकर्षण कार्यक्रम था। हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जैसे शासन ने सभी कार्यालयों का संभागीय दुर्ग संभाग बन चुका है, तो सभी विभाग के संभागीय कार्यालय दुर्ग में खुल चुके हैं। लेखा एवं कोष का खुल चुका है, शिक्षा विभाग का खुल चुका है, पशु का खुल चुका है, संचालनालय स्वास्थ्य संयुक्त संचालन। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का नहीं खुलने से सभी कैडरों की जो उनकी वरीयता सूची है उसका नुकसान हो रहा है, भर्तियों का नुकसान हो रहा है। सारी भर्तियाँ आज रायपुर संभाग से निकल रही हैं, तो हमारे कर्मचारियों की पदोन्नति पर असर पड़ रहा है कि रायपुर संभाग में जितने जिले आते हैं उनके आधार पर हमारी पदोन्नति होती है, तो सभी कैडर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी मांग है कि दुर्ग जिले में जैसे अन्य विभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय खोले गए, स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त संचालक खोला जाए ताकि सभी कैडरों को इसका लाभ मिल सके। आगे आप लोगों का कुछ रहेगा एक्शन इसमें? इसके बाद हम लोग विधायक, दुर्ग जिले के ऊर्जावान विधायक माननीय अरुण वोरा जी से मिलेंगे। इसके बाद गृह जिला है माननीय ताम्रजत साहू जी से मिलेंगे। इसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो दुर्ग जिले के मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुखिया, उनसे मिलेंगे। ये मांग हमारी बहुत जायज है। इसके साथ ही दुर्ग जिले में बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही, उसके बारे में भी हम लोग अपना मामला खोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास। भर्तियों में जो अनियमितताएँ हो रही उसके लिए भी बात रखेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।